हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। और गाइस, कंपनी की ओर से अनऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का, जो कि कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे और यहाँ पे गाइस राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में स्टैंड अलोन नंबर रैक्स में है। इनकम की बात करेंगे तो कंपनी का जो इनकम जनरेट हुआ 134.4 करोड़ का, मार्च 24 में 170.8 करोड़ का, जून 23 में 118.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ है 132.4 करोड़ का, मार्च 24 में 165.3 करोड़ का, जून 23 में 116.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.9 करोड़ का, मार्च 24 में 5.4 करोड़ का और जून 23 में 1.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। यहाँ पे गाइस टैक्स पे नहीं करना पड़ा इसलिए प्रॉफिट भी इतना ही है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है। EPS 0.29 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। स्टैंड अलोन में इनकम है 134.4 करोड़ का, मार्च 24 में 170.7 करोड़ का और जून 23 में 118.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 132 करोड़ का, मार्च 24 में 165 करोड़ का, जून 23 में 116.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। प्रॉफिट है 2 करोड़ का, मार्च 24 में 5.7 करोड़ का और जून 23 में 2 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 0.34 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन रोटेटिंग मशीन अदर्स इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। रिजल्ट एवरेज है गाइस, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम प्रॉफिट में डाउन हुआ, उसका इंपैक्ट है इसके शेयर में पड़ा, क्योंकि 1 PM में इसका रिजल्ट और रिजल्ट आता ही कंपनी के शेयर ने बहुत बुरी तरह से क्रैश किया। 1.46% का लॉसेस दे रही है कंपनी अभी के अकॉर्डिंग और शेयर जो है 216.08 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। 5 डे में 8.8% का लॉस है, 1 मंथ में 5% का प्रॉफिट है और 6 मंथ से 45% का प्रॉफिट है। गाइस, कंपनी ऑलरेडी ओवर प्राइस जा चुका है, इसलिए अभी इसमें एंट्री करना थोड़ा सा रिस्क होगा, थोड़ा वेट कीजिएगा इस करेक्शन होने दीजिए। एटलीस्ट कंपनी का शेयर जो है लगभग जो है अराउंड 208 का सपोर्ट ले सकता है, अगर इसको आने दीजिए उसके बाद आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। आप शेयर ले रखेगा तब इसको होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।